इसे कोई गठबंधन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। इससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह में है और दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की अकेले सरकार बनेगी। उसके कांग्रेस पूरी 400 पूरी पूरी की पूरी 403 सीटों पर लड़ेगी, 425 सीटों पर है। कौन बिल्कुल सारी विधानसभा में कैंडिडेट उतरेंगे और सब नामांकन जो कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्तावना दी थी एक सारी जगह के लिए आवेदन आ गए हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कांग्रेस पार्टी ने 10-10, 15-15 आवेदन आए एक एक सीट के लिए। ऐसा मत सोचिए कांग्रेस पार्टी कोई कहीं लड़ने में कोई कोताही करेगी। एक एक सीट पर 10 से 15 तक आवेदन है। शरद मिश्रा जी को जो है उत्तर प्रदेश में कार्य लेकर आए जी, क्या मान के चले ये ब्राह्मण चेहरा वाले जो है कि एक ब्राह्मण वोट की राजनीति की? भाई आप देखिए जो भी समझे, आप तो पत्रकार हैं, आपका अपना नज़रिया है। हम कांग्रेस के ग्रास रूट वर्कर हैं। मैंने अपनी राजनीति NSUI से स्टार्ट की, हमारी खून में कांग्रेस है, हमारी माँ इंदिरा जी की अनुयायी थी, तो हमारा परिवार कांग्रेसी है। आज कांग्रेस में बीच में हम यूथ में रहे, NSUI में रहे, अभी भी सचिव थे पिछले काफ़ी समय, फिर सद्भावना के सिपाही में हम रहे, जेल भी हम कांग्रेस के लिए गए, तो कहाँ से क्या कोई दूसरे देश से कांग्रेस थोड़ी आदमी लाएगी। जो हमारे पार्टी के वफादार हैं वही आगे करे जाएंगे। अब उसमें ब्राह्मण देख लो आप, कोई देख लो, ये आपका नज़रिया है। हम लोग कांग्रेस पार्टी इस तरह की कोई राजनीति पे भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग सर्व समाज की राजनीति करते हैं। आपका चेहरा आने से क्या मतलब ब्राह्मण वोट मिलेगा? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता हूँ, हमें सब वोट मिलेगा जिसमें ब्राह्मण भी शामिल होगा, अन्य वोट भी शामिल होंगे। अभी आप देख लीजिए हमारे साथ कौन कौन सब लोग, सारे समाज के लोग हैं। ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सारे लोग रहते हैं और सब सम्मान पाते हैं। आप कांग्रेस की कमेटी उठा के देख लीजिए कहीं की, हर वर्ग का हर समाज का व्यक्ति हमारे में होगा और वो समाज में इज्जत पाएगा। एक थाली में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, यही तो कांग्रेस है गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाली। आप हमें एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश हमको क्यों दिख रहा है? विपक्ष में है तो JP Nadda जी जाके देखे ना वहाँ, उन्हें कौन मना कर रहा है? ये उनका काम है, वो विपक्ष में जाके देखे। हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई करती है इसलिए उनको मौका नहीं मिलता है। तो आप राजस्थान की बात करिए, छत्तीसगढ़, तो आपको रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी बताते सबसे बड़ी वर्ल्ड की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप जाइए ना वहाँ आंदोलन करिए जाके, कौन रोक रहा है आपको?